नमस्कार। आज मैं उत्तर प्रदेश के युवाओं, खास तौर से उन प्रतियोगी छात्र छात्राओं से बात करना चाह रही हूं जिन्होंने सुपर टेट 69,000 का की परीक्षा दी। आप सब तो जानते ही हैं कि हाल में परीक्षा के रिजल्ट आए और उस रिजल्ट से बहुत आक्रोश, बहुत नाराजगी हुई है, क्योंकि मीडिया की रिपोर्ट से, छात्र छात्राओं की रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि इस परीक्षा में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, बहुत समय से, जब से मैंने यूपी में काम करना शुरू किया, जब से पिछला चुनाव चला, तब से मैं देख रही हूं कि ऐसे तमाम परीक्षा जो यूपी में की जा रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं चीटिंग के मामले निकलते हैं, घोटाले निकलते हैं, भ्रष्टाचार उठता है की बात उठती है, और इससे बहुत दुख होता है। आज जिन छात्राओं से मैं बात कर रही थी, वे मुझे बता रही थी कि एग्जाम देने के लिए, परीक्षा देने के लिए 200-200 किलोमीटर दूर गईं, तीन तीन परीक्षा दिए हैं, कभी सिलेक्ट भी हो गई हैं, लेकिन बार बार परीक्षाओं में परिवर्तन आ रहा है, बार बार चीटिंग के मामले उठ रहे हैं, कभी परीक्षा रद्द होती है, कभी परीक्षा में जो अंक आते हैं उन पे कोई नया नियम कायम हो जाता है। पहले कट ऑफ पॉइंट एक होता है, उसके बाद परीक्षा को कर देने के बाद कट ऑफ पॉइंट बदला जाता है। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि एक परीक्षा आप दे रहे हैं और उसका रिजल्ट 1.5 साल बाद आ रहा है। उसके रिजल्ट के आने में इतना समय लग रहा है, क्यों लग रहा है इतना समय? अगर कोई घोटाला, कोई गड़बड़ नहीं है तो ये रिजल्ट पहले आना चाहिए। तो इस तरह की तमाम इश्यूज हैं जो इन परीक्षाओं के इर्द गिर्द उठने लगी हैं। अब जो हाल में जो समस्या है, जिस मैंने सुना कि आज सुबह टॉपर गिरफ्तार हुए हैं, कल कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि अगर ये परीक्षा पारदर्शिता से, ठीक ढंग से, साफ सुथरे तरीके से की गई है, तो लोग गिरफ्तार क्यों हो रहे हैं? अगर सरकार कह रही है कि ठीक है, एक सेंटर में इशू आ रहा है तो उस सेंटर के लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पूरी परीक्षा में कोई समस्या नहीं है, तो ये बार बार इश्यूज क्यों उठ रहे हैं और लोगों को इतना दुख क्यों हो रहा है? स्टूडेंट्स इतने परेशान क्यों हैं? इसमें जो नियम है वो बार बार बदलते क्यों रहते हैं? तो मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि आज जिन बच्चों से मैंने बात की, वो मुझे बता रहे थे कि कितना संघर्ष करके, सिर्फ पढ़ाई नहीं, उनके लिए ये जो इम्तिहान है, ये जो परीक्षा है, ये एक जीवन के भविष्य की का द्वार है, जिसके जरिए वे अपने जीवन के भविष्य को बना सकते हैं, जिसके जरिए पूरे परिवार के लिए, आगे के लिए वो अपनी लाइफ बना सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो अगर हम एक साथ आवाज नहीं उठाएंगे, अगर हम ये डिमांड नहीं करेंगे कि कोई परिवर्तन आए, तो ये एक ऐसा सिलसिला बन जाएगा कि यूपी की सरकार तो वैसे भी समझ रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ना आपको आवाज उठाने दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं कहीं विज्ञापित, सरकार विज्ञापित कर रही है कि अगर आप आवाज उठाएंगे आप पे मुकदमे किए जाएंगे। तो या तो हम सब चुप बैठ जाएं तो कभी कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, या हम आवाज उठाएं और हम सरकार से जवाबदेही मांगे, मुख्यमंत्री जी बताएं कि वो जिम्मेदारी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए वो तय करें, लेकिन ये सिर्फ आपका भविष्य नहीं है, ये पूरे प्रदेश का भविष्य है, एक पूरे जेनरेशन का भविष्य है, और उस प्रदेश की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की है। मुख्यमंत्री जी, आपके भी बच्चे हैं, हमारे हैं, आपके हैं, और हम सबको इकट्ठे एक सकारात्मक तरीके से इनके लिए एक सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, और ये कोई राजनीति की बात नहीं है, ये एक बहुत स्पष्ट बात है, एक जेनरेशन का भविष्य का, एक जेनरेशन के भविष्य का सवाल है, उस सवाल को हम उठा रहे हैं। हम सब जिम्मेदारी लें, और आप जिम्मेदारी लें कि ये आपकी सरकार में ये सब हो रहा है, पारदर्शिता से जो भी कार्रवाई करनी है आप करवाइए, चाहे इम्तिहान को रद्द कराने की कार्रवाई हो,
चाहे पूरी तरह से जांच कराने की कार्रवाई हो, और इससे बढ़कर सबसे जरूरी, जिससे मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ कि इन छात्र छात्राओं का, ये जो प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं, इनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। आप इनकी आवाज दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? दमन से कुछ नहीं होगा, ये युवा है, युवा आवाज उठाता है, उसी का उसका स्वभाव होता है। स्वभाव को दबाने की कोशिश कोई भी करे तो कोई सफल नहीं हो सकता। और एक देश, एक प्रदेश अगर आगे बढ़ेगा, अगर विकसित होगा, तो बहुत जरूरी है कि आप युवाओं की आवाज सुने, कि उनकी समस्याओं को सुलझाएं। और इस तरह की नीति नहीं होनी चाहिए कि भर्तियों में धांधली हो, परीक्षाओं में घोटाले हों। ये कोई आम चीज नहीं है, हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए कि इसी तरह से चीजें होती हैं। हमें बदलाव लाना है, और बदलाव लाने के लिए हम सबको इकट्ठे काम करना पड़ेगा। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, युवाओं से कहना चाहती हूँ, खास तौर से जिन्होंने इम्तिहान दिया, उनसे कहना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ खड़ी हूँ, मैं आपकी आवाज उठाऊंगी। इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आपकी आवाज उठे। आप हमारा भविष्य है, यूपी के भविष्य हैं, और हम आपके लिए लड़ेंगे। आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई।